पहली बात तो ये कि इस रैली का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव में बहुत देर है, जब चुनाव आएगा तब हम लोग किस तरह की रैली करना है उसका विचार करेंगे। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 6 साल पूरा हो गया, और दूसरी बात जो सत्ता में आए उसका 2रा साल है, और कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार के गरीबों को 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जो मदद की गई है, उन्हीं सारी बातों को बताने का काम, गरीबों के साथ जन संवाद कार्यक्रम करने का काम अमित शाह जी कर रहे हैं। और चूंकि देखिए लॉकडाउन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, अभी भी भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, तो हम लोगों ने ये डिजिटल माध्यम का उपयोग करने का निर्णय लिया है। और इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने ऑडियो वीडियो सारे चीज़ों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, और सबसे कम खर्च में ये कार्यक्रम हो सकता है। जहाँ एक रैली करने में 50 लाख 40 लाख 20 लाख खर्च हो जाता है, ये तो 1 लाख भी खर्चा नहीं होगा।